तुम्हें ये सब करने हैं तो चले जाओ, ट्राइपॉड लगा लूंगी। वाह, सबको पता है अभी है होली, तो होली पे अगर हम गुजिया ना बनाएं तो ऐसा हो नहीं सकता। मेरे को सबसे ज़्यादा जो अगर कुछ पसंद है तो वो गुजिया पसंद है, और अभी टाइम हो रहा है रात के 10:30। इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये बहुत मेहनत वाला काम है और अकेले तो मुझसे नहीं होने वाला। इसका है क्या है, अगर उस तरीके से आप बनाएंगे ना तो आपकी गुजिया कभी नहीं फटेगी। 1 किलो मैदा में 200 ग्राम घी डाल के, मतलब जो मैदा को हम आटा लगाएंगे मैदा का, तो उसमें पहले हम घी डालेंगे थोड़ा, उसको हम लोग मोमन बोलते हैं, मोइन भी कहीं बोला जाता है। तो रेशियो क्या है, जैसे मैं आधा किलो का बना रही हूँ तो आधा किलो में मैंने 100 ग्राम देसी घी डाला है और फिर उस आटे को लगाया है नॉर्मल पानी से ही। बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम उसको एक पॉलिथिन में रखते हैं, मैं दिखाती हूँ। उसके बाद हम इसको इस तरह से पॉलिथिन में बांध के रख देते हैं, वो इसलिए कि इसमें ऊपर एयर ना लगे, इसकी जो स्किन है ना मैदा की स्किन पे एयर ना लगे, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट रहे। यहाँ पे गुजिया के अंदर की स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने ले लिया है खोआ, जिसको कि मैं अपने एंड पे भूनूंगी। वैसे तो यहाँ पे भुना हुआ मिलता है, पर मैं फिर भी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ, और जैसे कलर थोड़ा सा मुझे ब्राउनिश लगेगा, रेडिश लगेगा, तो मैं इसको हटा दूंगी। चिकनाई तो यहाँ नहीं होती है खोए में, बट हाँ काम चल जाएगा आपका। इस तरह से इसको मैं स्टफिंग तैयार करूँगी, और इस तरह से ये हो गया है एकदम पतला, और इसमें कलर भी आने लगा है थोड़ा, देखो ब्राउन कलर भी हो गया है इसका। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे इधर परात में, और हाँ फिर जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे बूरा, क्योंकि वो पतला कर देगा पानी, तो इसको बिल्कुल ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद हम इसमें क्या क्या डालते हैं वो मैं देखें। इस तरह से अब मैं इसको लेकर जा रही हूँ फैन के नीचे रखने के लिए। ये बर्तन झूठे क्यों रखे हुए हैं, माजे क्यों नहीं है? क्योंकि मेड साफ करती है, मैं बर्तन साफ नहीं करती। यहाँ पे ये सब करने हैं तो चले जाओ, ट्राइपॉड लगा लूंगी। इधर दिखाओ पहले। अभी इसमें डाल दिया है बूरा, और अब हम इस्तेमाल करेंगे अपने हाथों को। इसको कूट के डाल दूंगी, अब इसमें मैं डाल दूंगी, मैंने ये पीस दिया है। अरे इसमें ना मैं ये डालना भूल गई थी सूजी, इसमें सूजी डलती है भून के थोड़ी सी, तो वो डालना भूल गई थी, इसकी वजह से पतला लग रहा था। अभी एकदम से वो वाला मुझे टेक्सचर दिख रहा है इसका जो मम्मी बनाती थी, खुशबू भी वही वाली आ रही है। ठीक है, ये फिलिंग हो गई, मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे ही बनाऊंगी। तो अभी ये वाली सही है, एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल सही। अब इसमें मैं एक चीज दिखाती हूँ, हमें इतना टाइट मारना है कि हम उस पर प्रेशर लगाए ना तो हमारा ठीक हो, और दूसरा ये इवन होना चाहिए, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं, और ना ज्यादा मोटा हो और ना ज्यादा पतला हो। ये देखो इसमें इस तरह से फील आना चाहिए, ज्यादा मोटी रहेगी तो वो अंदर से प्रॉपर सिकेगी नहीं, कच्ची लगेगी, और ज्यादा पतली हो जाएगी तो उसके फटने का डर है। ये मेरा हो गया है, अब इस मैंने ये नया मंगाया, ये वाला जो था ना ये इतना अच्छा नहीं था, ये बेकार रहा, तो ये मैंने आज मंगाया मॉर्निंग में। ठीक है, निशान है, इसको मैं इसके ऊपर डाल के फिर एक बनाती हूँ, तब तक मैं उसका अरेंजमेंट कर लेती हूँ। आ जाओ, इनको कैसे सुलाना है मेरा। तरह से हम यहाँ पे दुपट्टा रख देंगे, क्योंकि इनको बनाने के बाद ना इनकी जो ऊपर वाली लेयर है ना स्किन जो है वो उसको हवा नहीं लगनी चाहिए, तो मैं इसको इतने में लगा दूंगी और इस तरह से बाद में इसको ऐसे ढक दूंगी। ये है,
इस तरह से। यहाँ पे मैंने एक चम्मच मैदा को पानी में थोड़ा घोल लिया है जिससे मैं इसको अच्छे से सील कर पाऊँ। तो इसका जो मैं इसको बंद कर रही हूँ ना, इसका खुलने का जो डर होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, लगभग नाके बराबर ही हो जाता है। एक्स्ट्रा निकाल देंगे, इसको खोलेंगे। ओह, गुजिया बन गई फाइनली। चलो अभी इसको मैं थोड़ा रखती हूँ, जब तक मैं थोड़ी फटाफट और बनाती हूँ फिर दिखाती हूँ इसको ना। किस अभी यहाँ रखूंगी और इसको ऐसे ढक दूंगी, ठीक है। और ये है मेरे हेल्पिंग हैंड। बन गए। अरे वो ये लगाना है ना, नहीं तो खुल जाएंगे ये सब बिना इसके। नहीं खुल जाते, फट जाएंगे वो। ये लगाओ, ये तो चुपक गया था। दिखाओ। दिखाओ। वाह। चलो अब जल्दी से बना लेते हैं। वैसे कोई भी काम करो ना तो साथ में कोई भी काम करने का ना एक अलग ही मजा होता है। और अब मैं ये फटाफट फटाफट से इसको बेल देती हूँ जिससे कि ये जल्दी जल्दी बन जाते हैं, फिर इसको जब सेकेंगे तब मैं दिखाती हूँ, ठीक है। निन्नी टाइम। ये है पहला वाला, कच्चा तो नहीं है, सिक गया थोड़ा इधर से है। आउच। क्यों डालो उसको, दिखाओ क्या दिक्कत है। दिक्कत नहीं तो डालो, डालो नहीं नहीं डालो। फ्राई करूंगी ये मेरा फर्स्ट वाला जो ट्रायल है, ये पलट नहीं जा रहा। थोड़ा सिकने देते हैं। ये है मेरा लास्ट, इसके बाद एक बार एक और है। और ये है मेरी पूरी गुजिया, कितनी अच्छी लग रही है ना यार। अभी भोग लगा दूंगी, उसके बाद पूजा की निकाल दूंगी मैं, फिर हम खा लेंगे, ठीक है। देखो कलर भी ना इसका एकदम परफेक्ट है, अच्छे से एकदम, और रेशियो भी बिल्कुल परफेक्ट रहा। मैंने आधा किलो मैदा ली, टाइट से आटा मारा, और आधा किलो लिया मैंने खोआ, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा पूरा रेशियो इक्वल बैठा था।